आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के, जो है विभिन्न चौकों से और नगर निगम एक बड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। विभिन्न प्रकार के जो बोर्ड्स हैं, जो साइन बोर्ड्स हैं, जो लगा देते हैं लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, तो उन बोर्डों को जो है नगर निगम के तमाम अधिकारी कर्मचारी उतारते नजर आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट्स की बात की जाए, पोल्स की बात की जाए, तो इन पोल्स को, लाइट को सबसे ज्यादा जो है इन बोर्ड्स ने करा हुआ है। मौके पर नगर निगम की ये जो अतिक्रमण हटाओ की टीम है, ये अतिक्रमण हटाओ की टीम आप लोगों को देखने को मिल रही है, और सड़कों पर विभिन्न प्रकार के जो बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद तमाम प्रकार की जो है दिक्कतें होती हैं। लाइट्स के ऊपर बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं, पेड़ों के ऊपर बोर्ड टांग दिए जाते हैं, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई जो है नगर निगम के तमाम अधिकारी यहां पर करते नजर आ रहे हैं। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं शेयर जरूर करते रहेगा, आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम के इंस्पेक्टर्स की कार्रवाई की बात की जाए तो किसी भी प्रकार का, कोई भी बोर्ड की बात की जाए तो किसी भी प्रकार का कोई भी बोर्ड जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी प्रॉपर्टी पर कोई भी बोर्ड प्रताप नहीं किया जाएगा। एटीपी जो है मौके पर यहां पर जरूर पहुंचे हैं, और एटीपी मौके पर पहुंचने के साथ साथ जो भी बोर्ड्स यहां पर लगाए गए हैं उस पर एक कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के बोर्ड क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी संस्था के बोर्ड क्यों ना हो, तो किसी भी प्रकार का अतिक्रमण की बात की जाए, आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार के कोई भी चीज की बात की जाए तो जरूर यहां पर करते नजर आ रहे हैं। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहे हैं शेयर जरूर करते रहेगा। शहर में अतिक्रमण से हो रही है दिक्कतें, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई जो है मौके पर इंस्पेक्टर्स हमारे साथ जरूर पहुंचे हैं, वो यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। मेरे सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं शेयर जरूर करते रहेगा। गाड़ी खोलना, तो आप सभी को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से इस बोर्ड को उतारते हुए नजर आ रहे हैं। एटीपी मौके पर पहुंचे हैं तमाम, आप लोग देख सकते हैं कि नगर निगम की गाड़ी में जो है काफी संख्या में फ्लैक्स बोर्ड्स जो कि नगर निगम को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाते हुए काम आ रहे हैं, नगर निगम की एडवर्टाइजमेंट में हानि पहुंचाते हुए काम कर रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहे हैं शेयर जरूर करते रहिएगा। दिक्कतों का सामना काफी करना पड़ता है, बोर्ड्स यहां पर जरूर लगे हुए हैं। इन बोर्ड्स को हटाते हुए तमाम नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी यहां पर मौके पर जरूर पहुंचे हैं। अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना है इसको पूरे प्रकरण को लेकर। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहे हैं शेयर जरूर करते रहिएगा। ये बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहना है मौके पर पहुंचे अधिकारियों का इस पूरे प्रकरण को लेकर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एटीपी लक्ष्मी सिंह है। एक एटीपी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? सब कहना चाहेंगे कि शहर में हम डेली इंक्रोचमेंट की जो है इनलीगल होर्डिंग्स की रिमूवल करने के लिए लगातार हम ड्राइव चलाते हैं, परंतु लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि कोई चौराया है उस पर अगर साइड दिखाई नहीं देगी इससे कॉजेज है एक्सीडेंटेड होने के, और इस तरह से जो है इनलीगल होर्डिंग्स लगाना गलत है। जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित जगह कोई सर कहीं ना कहीं साइड पर लगाए, सर निगम को बड़ा नुकसान भी हो रहा है इससे, पैसों का नुकसान हो रहा है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। नगर निगम यमुनानगर जगाधरी ने ऑनलाइन टेंडर निकाला हुआ है। हाँ। ये जो इलीगल होर्डिंग्स लगाने वाले लोग हैं ये उसको खराब कर रहे हैं सिस्टम को, ये लोगों को टेंडर नहीं डालने दे रहे, उसी के तहत ये कार्रवाई अमल बनाई जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सड़क के बीचों बीच लोग अपने शोरूम के लगाते हैं पोस्टर। शहर वासियों से सभी से मेरी अपील है, शहर को अपना शहर समझे, उसे गंदा ना करें। सर ये समय समय पर कार्रवाई चलती रहेगी या कुछ समय के लिए कार्रवाई की गई? ऐसा नहीं है, लगातार कार्रवाई चलती रहेगी, और आगे जो है ना इस बारे में FIR भी लॉन्च कराई जाएगी, जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो चाहे बिना सत्ताधारी पार्टी, चाहे कोई भी हो, सत्ताधारी है या बिना सत्ताधारी की बात नहीं है, ये इलीगल होर्डिंग्स का है जी। इलीगल होर्डिंग्स ना लगाए, सभी को एक ही नजर से देखा जाता है, ये कोई अलग कोई जी। हाँ, तो सभी को एक ही नजर से देखा जाएगा। एटीपी ने बड़ी कार्रवाई जो है शहर में करी हुई है। बिलबोर्ड्स को लेके बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं शहर को अतिक्रमण मुक्त, जी हाँ, शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जो है बड़ी कार। तो एक बड़ी कार्रवाई एटीपी के द्वारा की जा रही है, जितने भी बोर्ड शहर में लगे हुए हैं, जी हाँ, किस तरीके से इन बोर्ड्स ने सारे खंभों को ढक लिया है, शहर को ढक लिया है, एक बड़ी कार्रवाई एटीपी के द्वारा, जी हाँ, शहर को अतिक्रमण मुक्त, शहर को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई एटीपी के द्वारा की जा रही है। मौके पर नगर निगम के एटीपी यहां पर जरूर पहुंचे हैं, चाहे वो विपक्ष आपके समक्ष रैली का पोस्टर हो,
चाहे वो किसी भी संस्था का पोस्टर हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का पोस्टर हो, पूरी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा अगर कोई तंग करेगा तो उस पर FIR भी लॉन्चिंग की जाएगी, FIR भी लॉन्च होगी और एक बड़ी कार्रवाई ATP और उनके तमाम आसपास के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा करते नजर आ रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई नगर निगम महापौर मदन चौहान के नेतृत्व में करते नजर आ रहे हैं और वही एक बड़ी कार्रवाई जो है ATP और उनकी पूरी टीम करती नजर आ रही है। आप लोग देख सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांच पांच बोर्ड एक के ऊपर एक ही फ्लेक्स कंपनियों का इस प्रकार से ये काम हो रहा था कि एक फ्लेक्स के ऊपर दूसरा फ्लेक्स, दूसरे फ्लेक्स के ऊपर दूसरा फ्लेक्स, तीसरे फ्लेक्स के ऊपर एक और फ्लेक्स, यानी कि 10-10 फ्लेक्स लगाए जा रहे थे, जिसके बाद बहुत ज्यादा बड़ी कार्रवाई जो है ATP और उनकी कंपनी के द्वारा की जा रही है। ATP के द्वारा बड़ी कार्रवाई जो है की जा रही है। मेरे सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। हजारों की संख्या में बिलबोर्ड्स की बात की जाए या फिर किसी भी बोर्ड की बात की जाए तो ATP और उनकी पूरी टीम यहां पर बड़ी कार्रवाई करती हुई अमल में आती हुई नजर आ रही है। छोटे बोर्ड की बात की जाए, बड़े बोर्ड की बात की जाए, ये देखिए प्यारा चौक की बात की जाए तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी कि बोर्डों की भरमार थी और जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है ATP और उनकी पूरी टीम के द्वारा की जा रही है। मौके पर एक्शन मोड में काफी नजर आ रहे हैं ATP महोदय। मेरे सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। कार्रवाई की गई है, एक बड़ी कार्रवाई जो है शहर में की गई है। कितने भी जो है एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड है उन्हें उठाकर फेंका जा रहा है। जानकारी ये मिल पा रही है कि शहर में अतिक्रमण के चलते काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद ATP ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जितने भी बोर्ड है, जितने भी साइन बोर्ड की बात की जाए या फिर एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड की बात की जाए तो सारे बोर्ड जो है नगर निगम के कर्मचारियों ने हटा दिए। भारी करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान नगर निगम को उठाना पड़ता है। हर साल बिल पारित किया जाता है कितने करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से उठाए जाएंगे, लेकिन वो पारित शून्य की ओर तब्दील होता हुआ नजर आता है, क्योंकि इस प्रकार के बोर्ड जो है रेड लाइट पर बात की जाए या फिर सिंपल लाइट पर बात की जाए लगते हुए नजर आते हैं। मेरे सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, शेयर जरूर करते रहेगा। तो मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहे IB24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।